देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। वाल्मीकि की हत्या को लेकर भारतीय राष्ट्रवादी दल ने किया प्रदर्शन। आपको बताते चले, बरेली राजस्थान के झालावाड़ जिले में हल्दी घाटी रोड पर कृष्ण वाल्मीकि के ऊपर हमला कर हत्या करने के विरोध में भारतीय राष्ट्रवादी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राठौर ने नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। अमित राठौर ने बताया, राजस्थान के झालावाड़ जिले में 1 जुलाई 2021 को हल्दी घाटी रोड पर कृष्ण वाल्मीकि के ऊपर जिहादी सागर कुरैशी, रईस इमरान, सोहिल शाहिद कुरैशी, अख्तर अली व अन्य लोगों ने लाठी डंडों से बहुत तरह से बीच रोड पर मार मार कर हड्डियां तोड़कर कृष्णा की हत्या कर दी। इन लोगों ने बहसीपन का जाहिर करता है और ये लोग समाज के लिए घातक खतरा बने हुए हैं। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवादी दल व अन्य हिंदूवादी संगठनों में भयंकर रोष व्याप्त है। इन लोगों को गिरफ्तार कर फास्ट कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी जाए। कृष्णा वाल्मीकि ने परिजनों को 50 लाख का मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए। इन जिहादी युवकों व इनके साथी और सहयोगी की संपत्ति जब्त कर कुर्क किया जाए, जिस कारण भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। हाँ, क्या क्या भैया, क्या आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मेरा नाम अमित राठौर है और मैं भारतीय राष्ट्रवादी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज कलेक्ट्रेट आए हुए हैं और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन प्रेषित करने जा रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। और अभी राजस्थान में 1 जुलाई को झालावाड़ जिला जो है वहाँ पे कृष्णा वाल्मीकि की जिहादियों द्वारा लाठी डंडों से मार मार के हड्डियाँ तोड़ दी गई, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और हम लोग राष्ट्रपति महामहिम महोदय जी से मांग करते हैं कि जिन जिहादी तत्वों ने ऐसा कार्य किया है उनके ऊपर फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मुकदमा मंजूर किया जाए, चला करके जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और जो कृष्णा वाल्मीकि का परिवार है, परिवारजनों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। और इन जिहादी तत्वों की जिन लोगों भी इन्होंने मदद की है, जो साथी हैं इनके, उन लोगों के घर कुर्क किए जाएं, उन लोगों को रोड पे लाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, कोई ऐसे जिहादियों का सहयोग ना करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं हो। तो ये अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि महोदय जी हमारा ज्ञापन की मांगों को पूर्ण करेंगे। और अगर मांगे पूर्ण नहीं की जाती हैं तो भारतीय राष्ट्रवादी दल आंदोलन करने को बाध्य है। बरेली के ओला में एटीएम काटने का प्रयास कर रहे बदमाशों ने गश्त कर रहे एसआई पर फायरिंग।